वेलकम टू आरती क्रिएशन, राधे राधे। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए चोली बनाएंगे। ये देखिए 10 नंबर की सिलाई है और ये वर्धमान ऊन है, सेफ्टी पिन है और ये फुल स्लीव्स में ये ऊपर का चोली बनेगी। ये देखिए नेक से बनना स्टार्ट होगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सिलाई में 17 फंदे हम इसको डाल लेते हैं, नॉर्मल से फंदे रहेंगे। ये देखिए 17 फंदे डाल दिए हैं। अब हमें 3 सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है। 17 फंदे डालने के बाद हम 3 सिलाई तीन दोनों साइड से ही उल्टा बनाना है। 1, 2, 3। चलिए हम इसको 3 सिलाई बना के दिखाते हैं। यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक 3 सिलाई बनी। देखिए 3 सिलाई हमने इसको बना लिया है। एक सिलाई में फंदे डाला था और 3 सिलाई हमने इनको उल्टा बना लिया है। ये देखिए इतना बन गया है। अब हमें 2 फंदे शुरुआत के और 2 फंदे लास्ट के हमेशा उल्टे उल्टे बनने हैं। पूरा स्वेटर ये बॉर्डर के रहेंगे ये दोनों। और 2 फंदे से 1 फंदे, यहाँ से 1 फंदा, हर बार एक 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 बढ़ता जाएगा सीधा। पहले एक सीधा होगा, अगली सिलाई में 2 सीधे होंगे, तीसरी सिलाई में 3 सीधे होंगे, इस तरह से। और बीच में जाली आएंगी। बहुत ही इजी है। आप 2 रो बनाएंगे आपको पूरा कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। अभी 3 सिलाई बन चुका है, ठीक है। 3 सिलाई उल्टी बनाई है, 3 रो कम्प्लीट हो गई है। हम चौथी रो में आएंगे। तो चौथी रो यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2 फंदे उल्टे बनाया, धागा पीछे ले गए, 1 फंदा हमने सीधा बनाया, ठीक है। धागा आगे लेके आए। अब हमें जाली डालनी है, तो इस तरह से जाली डालेंगे। ये धागा इसके ऊपर आ गया तो ये एक फंदा बढ़ जाएगा, यहाँ पे जाली आ जाएगी। देखिए एक जाली आ गई, एक जाली और लेंगे हम, धागा आगे। ये देखिए ये 2 जाली हो गई। अब फिर हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे लेंगे, एक जाली, धागा आगे, ये दूसरी जाली, एक फंदा सीधे। हमने 2 जालियाँ बना ली हैं, 4 जालियाँ बनेंगी इसमें। फिर जाली बनाएंगे, 1, धागा आगे और ये 2, 2 जाली, फिर एक फंदा सीधा। 3 जाली हो गई हैं। धागा आगे लिया, सिलाई पीछे ले जाकर धागा लपेट कर, 1 जाली, ये 2 जाली, 4 जालियाँ बन गई हैं और एक फंदा सीधा। अभी 2 फंदे उल्टे हमने यहाँ पे 4 जाली बनाई है, तो यानी कि 8 फंदे बढ़ेंगे सिलाई में। 17 फंदे डाले थे, 8 फंदे इसमें और बढ़ गए हैं, टोटल 25 फंदे हो गए इसमें। अब आएंगे इसके बैक साइड। बैक साइड हमें पूरा उल्टा बनाना है, कहीं कुछ डिजाइन डालना है। जो फंदे जाली वाले आए थे वो भी उल्टे ही बनेंगे। हम जब भी बैक साइड में आएंगे हमें पूरा उल्टा ही बनाना है, सिर्फ आगे साइड ही हमें जालियाँ बनानी हैं, उनको बिनना है, बाकी पीछे पूरा उल्टा उल्टा बनेगा। ये सिलाई आगे साइड रहती है, इसको उल्टा बनाते हैं। जब सिलाई पीछे जाती है तो वो सीधा होता है। ये देखिए जाली आ गया, इसको भी हम बनाएंगे उल्टा ही। हर बार फंदे बढ़ते जाएंगे। 17 फंदों में 4 जाली आती हैं। हम पूरा उल्टा बना के आपको आगे साइड लाके दिखाते हैं। ये देखिए आगे साइड आ गया। 3 सिलाई उल्टी बनाई थी, 1 सिलाई में जाली डाली है, एक उल्टा बनाया, तो ये 5 रो बन चुकी हैं। अब हम छठवीं रो में आएंगे। अब आपको खुद समझ में आ जाएगा जाली कहाँ पर है। अगर आप भूल भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाली देख के आप इसको बना लेंगे।
स्टार्टिंग दो फंदे हमेशा उल्टे बनेंगे, पीछे साइड भी दो फंदे उल्टे बनेंगे, एक दो। हमने यहाँ पे एक फंदा सीधा बनाया था, अभी यहाँ पे हम दो फंदे सीधे बनाएंगे। हर बार सीधी सिलाई में एक एक फंदा यहाँ पे बढ़ता जाएगा, एक दो। ये देखिए जाली आ गई है, देख रहा है बीच में चैन, इस साइड दोनों साइड जाली बनेंगी। धागा आगे लिया, एक जाली, धागा आगे लिया, ये दूसरी जाली, ठीक है। अब ये पहले हमने यहाँ पे एक सीधा बनाया था, दो जाली के फंदे इसमें बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे एक पहले का सीधा, दो जाली वाले, तीन सीधे फंदे बनेंगे इसमें। जो फंदे बढ़ते हैं उनको सीधा ही बनाएंगे, एक दो तीन। ये देखिए जाली आ गई, बीच में चैन दिख रही है। अब यहाँ पे हम जाली में जाली बनाएंगे, एक दो। ये देखिए ये आ गए तीन फंदे सीधे, वन टू और ये थ्री। धागा आगे लिया, एक जाली, धागा आगे लिया, दो जाले। अब देखिए शुरुआत में हमने दो फंदे सीधे बनाए थे, यहाँ भी दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, ये दो उल्टे बनेंगे। धागा आगे लिया, दो उल्टे बनाएंगे। ये देखिए छठवीं सिलाई बन गई है। अब पीछे सारे हम पूरा उल्टा बना के फिर हम यहाँ आके आपको दिखाते हैं। ये देखिए सीधा साइड आ गया है। अब इसमें हम दो फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे, वन टू। धागा पीछे लेंगे, एक दो और ये तीन। अब देखिए जाली आ गई है, जाली में जाली बनाएंगे। धागा आगे लिया, इस तरह से लपेटा और एक फंदा सीधा बनाया, एक जाली बन गई। धागा आगे लिया, ऐसे लपेटा और ये देखिए एक जाली बन गई। दो जाली हो गई, दो जाली में दो फंदे बढ़े। अब यहाँ पे हम सीधा बनाएंगे, कितना सीधा बनाएंगे, यहाँ तक जाली आ रही है, ये देखो जाली का फंदा ये वाला, तो पांच सीधे आ रहे हैं। पहले तीन थे, अभी पांच हो गए और नेक्स्ट सिलाई में सेवन हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव फंदे सीधे हो गए, जाली आ गई, जाली में जाली बनाएंगे, वन धागा आगे लिया, टू, फिर पांच फंदे सीधे बनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। ये देखिए जाली आ गई है, धागा आगे लिया, दो फंदे में जाली बनेंगी, वन टू। फिर हम पांच फंदे सीधे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। ये देखिए जाली आ गई है, अब हम जाली में फिर जाली बनाएंगे, दो जाली बनेंगे, धागा आगे लेंगे, एक जाली, धागा आगे लिया, सेकंड जाली। ये देखिए तीन फंदे हमने सीधे बनाए थे, दो फंदे उल्टे के पहले, यहाँ भी तीन फंदे आ गए, वन टू थ्री। जब हम नेक्स्ट सिलाई में आएंगे सीधे साइड, तो यहाँ पे चार फंदे सीधे हो जाएंगे, और ये हमेशा यहाँ पे दो फंदे उल्टे रहते हैं, स्टार्टिंग में और लास्ट में दो फंदे उल्टे ही रहते हैं। ये देखिए और ये रॉन्ग साइड है, इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सीधे साइड आ गए हैं, यहाँ पे अभी 41 फंदे हो गए हैं। अब फिर से हम यहाँ पे दो फंदे हम उल्टे लेंगे, वन टू। धागा पीछे लिया, पिछली बार हमने यहाँ पे कितना लिया था, चार, तीन सीधा लिया था। अब यहाँ पे हम चार फंदे उल्टे लेंगे, वन टू थ्री फोर। धागा आगे लिया, जाली में जाली बनाएंगे, धागा आगे लिया, जाली में जाली बनाएंगे, सात फंदे सीधे लेंगे, वन टू थ्री फोर
5, 6, 7 ये जाली आ गई है। धागा आगे लेके एक जाली बनाएंगे, धागा आगे लेके सीधा फंदा एक जाली बनेगी। फिर ऐसे ही हमें लास्ट तक बुनना है, फिर 7 फंदे सीधे। अगर आप भूल भी जाएं कितने फंदे बनाने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जाली दिख रही है, ये जाली पर रुक जाना है हमें। ये बीच का ये चैन दिख रहा है, ये चैन, इस चैन से ये जाली बनेगी। धागा आगे लेके जाली बनाएंगे, 1, फिर धागा आगे लिया, ये 2 जाली बन गई। अब फिर बनेगी सीधे फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये देखिए जाली आ गई है। धागा आगे लेंगे, 1 जाली, फिर से धागा आगे लिया और ये दूसरी जाली। शुरुआत में हमने 4 फंदे सीधे बनाए थे, ये बीच में 7 है, इससे मतलब नहीं रहता है। ये हर बार 2-2 बढ़ेंगे, पहले 3 थे, फिर 5, फिर 7, नेक्स्ट रो में हो जाएगा 9। और ये हर बार यहाँ पे 1-1 बढ़ेगा, 2 फंदे उल्टे के पहले यहाँ पे 1-1 बढ़ेगा। पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, 4, नेक्स्ट रो में ये 5 हो जाएंगे। अभी 4 हैं सीधे, तो इसको 4 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 ढकाएंगे लिया, 2 फंदे उल्टे बनेंगे। अब हम पीछे साइड आएंगे, यहाँ पूरा उल्टा उल्टा बनाना है। फिर देखिए टोटल 59 फंदे हो गए इसमें। अभी हम यहाँ से पिछले स्काई में हमने यहाँ 5 सीधे बनाए थे और 9 जाली के पास सीधे थे। अभी हम यहाँ पे 6 फंदे सीधे बनाएंगे। स्टार्टिंग में 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, ये 2 फंदे डायरेक्ट यहाँ से ऐसे बॉर्डर बनते जा रहा है किनारे किनारे का। धागा पीछे लेंगे और 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये देखिए जाली आ गई है, चैन बनी हुई है। धागा आगे लेंगे, 1 जाली, फिर धागा आगे लेंगे, दूसरी जाली, फिर हम बनाएंगे 6 फंदे सीधे। नहीं 6 नहीं, इस बार आएंगे 9, 9 नहीं, यहाँ पे 11 बनाएंगे क्योंकि चैन इधर पे, पिछली सिलाई में 9 थे, 10, 11 2 फंदे बढ़ गए। देखिए चैन आ गई, चैन में चैन बनाएंगे, धागा के लिए 1, फिर धागा के लिए फिर सेकंड चैन, फिर हम 11 फंदे उल्टे बनाएंगे, सॉरी सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फिर जाली में जाली बनाएंगे, 1, 2 फिर बनाएंगे 11 फंदे सीधे, 1, 2 ऐसा बिल्कुल हमें लास्ट तक करना है। बस 2 फंदे उल्टे लास्ट में, इसके पहले हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए चैन आ गई, चैन में चैन बनाएंगे हम, धागा आगे लिया, ये अब यहाँ पे हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे सीधे। अब ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, बैक साइड हम पूरा उल्टा बना लेते हैं, यहाँ पे हम पूरा उल्टा बना लेते हैं, फिर यहाँ पे आके आपको दिखाते हैं। अब हम स्लीव्स के लिए
इन सेफ्टी पिन में हम फंदे लेंगे। बस जितने भी फंदे हो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग के दो फंदे और लास्ट के दो फंदे उल्टे रहेंगे। अब इनको डिवाइडेड करना है। ये दो फंदे हो गए और हम आठ फंदे और निकालेंगे यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से भी हम, या आप 10 ले सकते हैं, जितने भी फंदे हो। यहाँ हम 10 कर देते हैं, 10 फंदे इधर निकालें और 10 यहाँ से भी ले लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फंदे हो गए। और सीरीज के लिए बराबर फंदे लेंगे हम, 12 12 फंदे लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये स्लीव्स के हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्लीव्स से हो गए। अब बीच में कितने फंदे आ रहे हैं टू काउंट करते हैं। ये बैक साइड के लिए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये मिडिल का हो गया। इसी तरह से हमें डिवाइड कर लेना है। तो हम स्टार्टिंग के 10 फंदे और 10 फंदे अलग करके फिर स्लीव्स लेंगे। तो पहले हम दो फंदे हम उल्टा बना लेते हैं। 1 और 2 अब हम आठ फंदे सीधे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 10 हो गए। अब हम सेफ्टी पिन में हम 12 फंदे ले लेंगे स्लीव्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमने सेफ्टी पिन में 12 फंदे ले लिए हैं। अब हम बीच में बनाएंगे। बीच में कितने 17 फंदे थे। बैक के लिए हम यहीं से इसको 17 फंदे हम अभी हम बनाएंगे इसको। यहाँ से सीधा सीधा ही बनाना है, कोई जाली नहीं आएगी। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17 ये 17 फंदे बैक के लिए हो गए। और हम यहाँ से फिर हम 12 फंदे हम स्लीव्स के लिए इसमें सेफ्टी पिन में हम ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अभी 8 फंदे हम सिलाई में लेके सीधा बिनेंगे और लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे कि 2 फंदे उल्टे हो गए। अब हम बैक साइड आएंगे। बैक साइड हम पूरा इसको उल्टा उल्टा बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए उल्टा से बना लिया हमने। अभी सीधे साइड आ गए हैं। स्लीव्स के फंदे इसमें हैं, इनको हम लास्ट में बड़ा करके बंद करेंगे। अभी हम ये नीचे साइड इसको हम थोड़ा लेंथ बढ़ाएंगे, सीधा उल्टा बनाना है। बस यहाँ 2 फंदे और यहाँ 2 फंदे हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, बाकी पूरा यहाँ से सीधा यहाँ से उल्टा। इस तरह से इसकी लंबाई बढ़ाएंगे। ये देखिए 5 सिलाई सीधी उल्टी बना ली हैं। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 लाइन में सीधी बना ली है। अब इसमें हम उल्टी सिलाई बनाएंगे जितना चाहिए। ये देखिए इसमें 1 2 ऐसे 2 रो आ जाएंगी, तो 4 सिलाई हम इसमें उल्टी बनाते हैं। उल्टी उल्टी बनाएंगे दोनों साइड ही से, हम उल्टा ही उल्टा बनाएंगे। 4 सिलाई कंप्लीट हो गई है।
अब हम इसको बंद करेंगे, दो फंदे को एक साथ घटा के बंद करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इधर से सीधे साइड से बंद करेंगे, उल्टा उल्टा ही इसको बंद करेंगे। ये देखिए, दो फंदे एक साथ लेंगे, ये दो फंदे एक साथ लेके घटा दिया, फिर ये फंदा भी इसमें लेंगे और इस तरह से देखिए इसको भी दोगा एक कर देंगे। यहाँ से बंद होता आ रहा है, ये देखिए इसको भी हम दो का एक करेंगे। इस तरह से हम इसमें हम नॉट लगा देंगे। ये देखिए नीचे से कंप्लीट हो गया है। ये चार पाँच और छः नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए आराम से हो जाएगा। स्लीव्स के लिए अब हम अलग से फंदे इसमें सिलाई में डालेंगे, इस तरह से एक एक फंदे निकालते जाएंगे और डालते जाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ये 12 फंदे हैं स्लीव्स में। पहली सिलाई सीधी है, इसको सीधा बनाएंगे। एक ही नॉट लगा दिए यहाँ से, ये लगाया हमने सीधा सीधा, सीधी साइड सीधी सिलाई, उल्टी साइड उल्टी सिलाई। इस तरह से हम इसकी लंबाई बढ़ाएंगे। हम टोटल इसमें 8 सिलाई बना लेंगे, सीधी उल्टी और लास्ट में 4 सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे, ये बॉर्डर करेगा। इस तरह से हम बनाएंगे 8 सिलाई और ये वाले के लिए हम 4 सिलाई बनाएंगे, फिर 4 सिलाई बना के इसको बंद करेंगे। तो हम इसको सीधा उल्टा और 8 और 4 सिलाई बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए 8 सिलाई सीधी बना ली है और 4 सिलाई सीधी उल्टी बना ली है। अब हम इसको बंद करेंगे यहाँ से, जैसे यहाँ का बंद किया तो उसी तरह से इसको भी बंद करेंगे। दो फंदे का एक फंदा करेंगे उल्टी साइड से, इसको उसी में ले लेंगे। वन टू थ्री फोर, ऐसे इसको पूरा बंद करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे हाथ के भी स्लीव्स बना लेंगे और फंदे घटा के बंद करेंगे। हमें पूरा स्वेटर कहीं नहीं सिलना है, सिर्फ स्लीव्स में इनको सिलना है, बाकी पूरा ही बनता चला आएगा। ये देखिए यही धागा हम थोड़ा बड़ा सा कट कर लेंगे, इसी सिलाई में काम आएगा। ये देखिए हम सिलाई की करेंगे बाद में, इसी धागा से लेके हम यहाँ से सिलाई करेंगे। एक स्लीव्स बन गई है, नहीं है। सेम ऐसे ही स्लीव्स हम ये वाली, इसको फंदे भर के इतनी स्लीव्स इसको बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोनों स्लीव्स बन के रेडी हो गई हैं, अब इनको हम सिलाई करेंगे। सिलाई हम उल्टा करके करेंगे, इनको डालेंगे और इस तरह से फंदे मिलाते हुए सिलाई करेंगे। कभी भी सिलाई ऊपर नीचे नहीं होगी, अब बराबर इसको सिलाई इस तरह से करेंगे, ये फंदा और ये फंदा।
और यदि इस तरह से सिलेंगे एक एक फंदा लेके, तो पता भी नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ से हुई है। इसको हम यहाँ से कट नहीं करेंगे, यहाँ से निकालते हुए इसको हम यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे। कट करने से नॉट ईजिली नहीं खुलती है। ये देखिए, ये सिल लिया है। इसी तरह से हम ये वाली सीरीज भी इसको सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पूरा सिल के कंप्लीट हो गया है। ये 3-4 नमक लड्डू गोपाल जी के लिए है, ये इससे बड़ा है। ये भी 3, 4, 5 और 6 लड्डू गोपाल जी के लिए आराम से हो जाएगा। ये देखिए लड्डू गोपाल जी हैं, इनको हम पहनाते हैं पहले ये वाला। सेम मेथड से दोनों ही बनाए गए हैं, बस इसको थोड़ा जल्दी बंद कर देते हैं इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। इसको थोड़ा सा लंबा करके बड़ा करेंगे। बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है इनके ऊपर। फुल साइज का स्वेटर है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। ये सहरा पगड़ी मैं इसका वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत इजी है बनाना। इनके साथ बना के इनको पहनाइए। आप चाहें तो इसमें आप चिटचैट बटन भी लगा सकते हैं, या फिर एक डोरी बना के इसको इस तरह से यहाँ पे डोरी लगा के इसको बांध भी सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, इस तरह से पूरा फिक्स हो जाता है। और स्वेटर है, मैंने इसमें राधे नाम लिखा हुआ है, ग्राफ बनाकर ये राधे नाम लिखा है इसमें। इस तरह से यहाँ से इनको पहनाते हैं ओपन करके, एक साइड से पूरा बंद है। और ये इसकी सहरा कैप है,